उसको पैसा दीजिए, चंदा दीजिए, उसको लड़वाइए चुनाव। रेलवे के गार्ड का इंटरव्यू देने गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। रेल मंत्री भारत के प्रधानमंत्री बाद में। इस देश की पब्लिक चुनाव के समय बड़ा मजा लेती है। कहा आप लिख के दो गारंटी कि आप अगले महीने जिंदा रहोगे, ना कोई गुड मॉर्निंग बोला, ना कोई खड़ा हो, कुछ रिएक्शन ही नहीं हो। सोचे पंखा उनका ठीक करने आया होगा। अरे मैंने कहा मैं अवध ओझा सेमिनार लेने आया हूं। आप अपने जाति का नेता चाहते हैं ना, दलित जाति का, अंबेडकर ढूंढ के लाइए। नहीं है, पक्का होगा सर। उसको पैसा दीजिए, चंदा दीजिए, उसको लड़वाइए चुनाव, उसको जिताइए सर। आप मुसलमान चाहते हैं, कोई आजाद जैसा लाइए, कोई उमर जैसा लाइए। खलीफा है उमर, खलीफा। कपड़े फटे हुए हैं, ईद मनाने का पैसा नहीं है खलीफा के पास। ईद मनाने का, ईद, खलीफा उमर, उसकी इतनी कहानियां हैं खलीफा उमर की। रात में 2 बजे एक महिला ऊंट पर बैठकर जा रही थी, किसी ने ऊंट की लगाम पकड़ ली। उस महिला ने कहा या तो उमर मर चुका है और या तू उमर है। यह कंडीशन थी लॉ एंड ऑर्डर की उसके समय में। ईद मनाने का पैसा नहीं खलीफा के पास, ईद मनाने का, ईद। अपने खजांची से वो कहता है कि कुछ पैसे उधार दे दो, बच्चों के कपड़े खरीदवा दे, अगले महीने की वेतन में एडजस्ट कर लेना। कहा आप लिख के दो गारंटी कि आप अगले महीने जिंदा रहोगे। खलीफा, ऐसा कोई आदमी निकाल लो उमर की तरह। इस देश की पब्लिक चुनाव के समय बड़ा मजा लेती है। पेट्रोल भराने पहुंच जाती है बाइक में, खाना खाने पहुंच जाती है। कहे अरे उनके यहां गए थे, चाय नहीं पूछे, रिश्तेदारी में गए हो। अब ये करना पड़ेगा अपनी जात का चुनाव, अपनी जात का। उमर जैसा, अंबेडकर जैसा, राम मनोहर लोहिया जैसा, शास्त्री जैसा। शास्त्री जी बनारस आए, उनकी माताजी उनसे मिलने आई, रेल मंत्री थे वो, रेल मंत्री। रेलवे के गार्ड का इंटरव्यू देने गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। पैसा नहीं होता था कि नाव पर बैठकर नदी पार करके स्कूल चले जाए। रेल मंत्री भारत के प्रधानमंत्री बाद में। उनकी मां मिलने आई, कहीं बेटा तुम क्या करते हो, कहीं हम बाबू हैं रेलवे में। उन्होंने बताया नहीं कि मैं रेल मंत्री हूं। उनके अधिकारियों ने पूछा कि सारा आपने बताया नहीं कि आप भारत के रेल मंत्री हैं। कहीं मेरी माँ बहुत इनोसेंट है, इसको मैं बता देता, ये जाके लोगों को बताती, वो इसको काम सौंप देते और मैं कर नहीं पाता। अपने बेटे के खिलाफ FIR कर दी क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कार लेकर चला गया था। चीन गए, सदरी फटी हुई थी। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, हमने इन चीजों को इज्जत देना ही छोड़ दिया। मैं हैदराबाद गया 3 साल पहले सेमिनार लेने, फ्लाइट लेट हो गई हमारी 1 घंटा। जिन लोगों ने सेमिनार अरेंज कराया था वो बेचारे बड़े परेशान हो गए, क्योंकि सेमिनार में लड़कों को अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है और आ जाएं तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, और लोग बहुत इंपेशेंट हैं, आना जाने लगते हैं। तो जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैं लोअर पहना हुआ था, टी शर्ट पहना हुआ था और स्लीपर पहना था, तो उन्होंने कहा सर सीधे चलिए सेमिनार हॉल। मैंने कहा चलो, हाँ चलो, हमें कोई क्या दिक्कत, चलो। तो सीधे हमें सेमिनार हॉल लेके चले आए। तो जब मैं वो लोअर थी और टी शर्ट रेड कलर की और चप्पल, और हम सेमिनार हॉल में चले गए, डाइस पे खड़े हो गए, तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। ना कोई गुड मॉर्निंग बोला, ना कोई खड़ा हुआ, कुछ रिएक्शन ही नहीं हुआ। सोचे पंखा उनका ठीक करने आया होगा। अरे मैंने कहा मैं अवध ओझा सेमिनार लेने आया हूं। यह हालत है इस देश की।